टीवी एक्ट्रेस परिधि शर्मा ने एक से बढ़कर एक टीवी शोज दिए हैं। अपने हर किरदार से परिधि को टीवी पर अलग नाम और शोहरत हासिल हुई। लेकिन साल 2015 में आया एकता कपूर का शो जोधा अकबर से परिधि रातों रात टीवी की स्टार बन गई। जोधा के रूप में उनका अंदाज, उनकी नजाकत और परफॉर्मेंस लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग आज भी उन्हें जोधा कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर परिधि को जोधा का किरदार मिला कैसे था और आखिर अब कहाँ है परिधि शर्मा? सबसे पहले बात करते हैं परिधि को एकता का शो कैसे मिला था। इस बारे में खुद परिधि ने ही सालों पहले बताया था कि देश भर में हुए 7000 ऑडिशंस के बाद ऐतिहासिक किरदार जोधा के लिए उन्हें चुना गया था। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली परिधि ने जोधा के किरदार के लिए तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसे हुनर भी सीखे थे और साथ ही राजस्थानी स्टाइल के पहनावे को भी समझा था। जोधा ने तो परिधि को शतरंज खेलना तक सिखा दिया, वो भी रजवाड़े वाले स्टाइल में। दिन भर राजसी पोशाक यानी कमरबंद, बाजूबंद आदि आभूषण और भारी काम वाले कपड़े पहने कई बार तो परिधि थक भी जाती थी। इस बारे में परिधि ने बताया था कि शुरू में तो पोशाक पहनने और जोधा के गेटअप में आने के लिए उन्हें 3 घंटे तक का समय लगता था, पर बाद में उन्हें इसकी आदत पड़ गई। आपको बता दें कि जोधा अकबर शो साल 2013 में शुरू हुआ था और 2015 तक टीवी पर छाया था। शो में अकबर के रोल में एक्टर रजत टोकस नजर आए थे। इस शो के बाद परिधि ने ये कहां आ गए हम, पटियाला बेब्स, जग जननी माँ वैष्णो देवी में भी काम किया। वहीं साल 2021 में वो स्टार प्लस के शो चीकू की मम्मी दुर्गी में भी लीड रोल में नजर आई थी। हालांकि ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था और कुछ ही वक्त के बाद ऑफ एयर हो गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से परिधि को लेकर कोई खबर नहीं है। फैंस भी जानना चाहते हैं कि अब टीवी की ये जोधा कहां गायब है। आपको बता दें कि भले ही परिधि फिलहाल किसी शो में नजर ना आ रही हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो छोटे छोटे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और प्ले भी कर रही हैं और अपनी रील से फैंस को लगातार एंटरटेन करती हैं। हालांकि परिधि एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार भी कर रही हैं ताकि वो एक अलग और नई पहचान बना सके और अपने फैंस को एक बार फिर से अपने नए किरदार से खुश कर सके।